हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ, अब 18 साल के बाद भी तेजी से बढ़ेगी लंबाई। आइए जानते हैं इसके बारे में। हाइट हमारी जिंदगी में कितना इम्पोर्टेंस है, ये बात जिनकी लंबाई कम है वो बखूबी जानते हैं। इंसानी शरीर का यही एक पहलू है जिसके बारे में अभी तक वैज्ञानिक कुछ भी नहीं कर पाए हैं। हमारे पास हर तरह की दवा है, लेकिन लंबा करने की कोई भी दवा आज तक नहीं बन पाई। कई लोग दावा तो करते हैं हाइट बढ़ाने की दवाई बेचने की, लेकिन उन पर अभी तक किसी वैज्ञानिक ने मोहर नहीं लगाया है। छोटे कद के लोग ताउम्र खुद में इस कमी के साथ जीते हैं। ऐसे लोगों की कमी नहीं है जो इंटरनेट पर हमेशा हाइट बढ़ाने की टिप्स खोजते रहते हैं। कोई इंसान कितना लंबा होगा ये बहुत हद तक उनके जीन्स पर डिपेंड करता है, यानी उनकी माता पिता की हाइट कैसी है। यही नहीं, कई बार लोगों की लंबाई पर नाना नानी का भी असर पड़ता है। ये जीन्स का खेल है जो समझ से परे है। मगर कुछ और भी चीजें हैं जिनका किसी आदमी के कद पर काफी असर पड़ता है। इनमें से बहुत सारी जरूरी फैक्ट है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन्स यानी HGH, जो किसी की हाइट को रेगुलेट करता है। HGH पिट्यूटरी ग्लैंड में बनता है और लंबी हड्डियों और कार्टिलेज के लिए बहुत ही जरूरी है। और भी कई चीजें हैं जिनका फर्क किसी इंसान के कद काठी पर पड़ता है, जैसे प्रेगनेंसी के दौरान सिगरेट पीना, जन्म के बाद ठीक से देखभाल ना होना, जन्म के वक्त बच्चे का वजन कम होना, बचपन में खराब सेहत होना वगैरह वगैरह। आमतौर पर लोगों को लगता है कि वयस्क होने के बाद उनकी हाइट नहीं बढ़ेगी, लेकिन ये 100% सही नहीं है। सच तो ये है कि 18 साल के बाद भी किसी शख्स की हाइट कुछ इंच तक बढ़ सकती है। छोटे लोगों के मन में ये अक्सर सवाल उठता है कि हाइट कैसे बढ़ाई जाए। अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल में कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो कद बढ़ाना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये जानते हैं कि लंबाई बढ़ाने के क्या क्या तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है अश्वगंधा का इस्तेमाल। अश्वगंधा कमाल की बूटी मानी जाती है। आमतौर पर जो लोग थकान या बॉडी में दर्द महसूस करते हैं उन्हें ये खाने की सलाह दी जाती है। बॉडी बिल्डिंग में भी इसका इस्तेमाल होने लगा है। मगर अश्वगंधा में एक और खासियत है, इसमें हड्डियों के ढांचे को बड़ा करने वाले और उनकी डेंसिटी बढ़ाने वाले मिनरल्स होते हैं। जब हड्डियों का साइज बढ़ता है तो कद भी बढ़ता है। अश्वगंधा तो अब पूरी दुनिया में मिल जाती है। भारत में ये टैबलेट, सिरप और पाउडर फॉर्म में मिलती है। इसे दूध के साथ लेना चाहिए। 2 चम्मच अश्वगंधा को हल्के गर्म दूध में मिलाकर रात को सोने से पहले पी सकते हैं। अगर गाय का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। अश्वगंधा के साथ खट्टी चीजों को, बहुत ही मसालेदार चीजों का थोड़ा परहेज रखना चाहिए। ऐसे में आप फास्ट फूड से दूर ही रहें। लंबाई बढ़ाने के लिए आप अपने लाइफ स्टाइल में दूध को जरूर शामिल करें। दूध की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। इसमें किसी शख्स के हर तरह के विकास के लिए करीब करीब हर चीज मौजूद है। हमारी हाइट हमारी हड्डियों की ग्रोथ पर डिपेंड करती है। सभी जानते हैं कि दूध में कैल्शियम होता है जो बोन्स की ग्रोथ के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा इससे सेहत भी बनती है। इसमें प्रोटीन और विटामिन ए भी होता है। अगर आप अपनी हाइट बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो दिन में 2 से 3 ग्लास दूध पीने की कोशिश कीजिए। दूध के बने प्रोडक्ट्स भी उतने ही फायदेमंद होंगे, जैसे दही, चीज, क्रीम व योगर्ट वगैरह। और इसके साथ आपको योगा जरूर करना चाहिए, जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसे कई आसन हैं जिसके रेगुलर प्रैक्टिस से आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा प्राणायाम भी करें। प्राणायाम से रीढ़ की मसल्स रिलैक्स होती है, जिससे ग्रोथ में मदद मिलती है। आसनों में आप सूर्य नमस्कार के अलावा ताड़ासन, भुजगांसन, चक्रासन, ऊर्ध्व हस्तोन्नतासन और सर्वांगासन का भी अभ्यास करें। आसनों के कुछ नियम होते हैं, उनका ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। बॉडी को थोड़ा गर्म करने के बाद पहले सूर्य नमस्कार करें। इससे आपकी बॉडी पूरी तरह से गर्म हो जाएगी। इसके बाद आसनों का अभ्यास करें। कोशिश करें हर आसन में 3 मिनट तक रहें। इसके अलावा एक्सरसाइज और खेल कूद बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है।
हमने ऊपर ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यानी HGH की बात की थी, जो किसी भी शख्स के शरीर विकास के लिए बेहद ज़रूरी होता है। खेल कूद और कसरत से HGH बहुत तेजी से रिलीज होता है, इसलिए तो कहा जाता है कि खिलाड़ी कभी बूढ़ा नहीं होता। पार्क जाए और खेल कूद में शामिल हो, इससे लंबाई बढ़ने में मदद मिलेगी। ऐसे खेलों में शामिल हो जिनमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जंप करना हो, जैसे टेनिस, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल वगैरह, और रस्सा कूद भी बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इससे आपको लगातार जंप करनी होती है। हो सके तो रोज़ 20 से 30 मिनट रस्सा करें। स्ट्रेचिंग भी बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। स्ट्रेचिंग हमारे लिए लंबाई बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है। स्ट्रेचिंग भी हाइट बढ़ाने में मदद करती है। वैसे तो अगर सूर्य नमस्कार और अन्य आसन कर रहे हैं तो आप अच्छा खासा स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन इसके अलावा लटकना भी बहुत ही फायदेमंद होता है। इससे दिमाग को मैसेज जाता है कि आप खुद को खींचना या बढ़ाना चाहते हैं। आप कद से ऊंची जगह पर लगी रॉड को पकड़ कर लटक जाएं और पूरी बॉडी रिलैक्स छोड़ दें। इस पोजीशन में करीब 10 सेकंड रुकें, इसके बाद हाथों को थोड़ा रेस्ट दें और फिर लटकें। ऐसा कम से कम 6 बार करें। अगर आप सुबह के वक्त योगा में व्यस्त रहते हैं तो आप इसे शाम के समय भी कर सकते हैं। दिमाग को काबू करें, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस बात का खास ख्याल रखें कि लंबाई बढ़ाने की कोशिशों को अपनी लाइफ स्टाइल का हिस्सा बनाएं, लेकिन उसे दिमाग पर ना चढ़ाएं। आपके दिमाग पर हमेशा ये ना चले कि मैं लंबाई बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालें। आप मेरे द्वारा बताए गए उपायों को अपनाएंगे तो आपके दिमाग के पास ये मैसेज खुद चला जाएगा कि आपकी बॉडी लंबाई बढ़ाना चाहती है। बार बार लंबाई ना नापे, खुद को टारगेट भी ना बनाए कि मुझे इतने दिनों में अपना कद इतना लंबा करना है। कुल मिलाकर हमारी सलाह ये है कि ज़्यादा परेशान ना हो, पूरी नींद लें। कहा जाता है कि जब हम सोते हैं तो हमारी लंबाई बढ़ती है। हमने आपको हाइट बढ़ाने के जितने भी टिप्स बताए हैं वो तभी काम करेंगे जब आप पूरी नींद लेंगे। नींद बहुत ज़रूरी है। जब हम सो रहे होते हैं तभी हमारी बॉडी में मरम्मत का काम होता है। हमारी बॉडी कसरत करते वक्त और सोते वक्त HGH रिलीज करती है। ग्रोथ हार्मोन्स तब रिलीज होते हैं जब हम गहरी नींद में होते हैं। कम सोने वाले जल्दी बूढ़े होते हैं, इसलिए बढ़ते बच्चों को 8 से 10 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी होती है। शू इंसर्ट का इस्तेमाल करें। अगर आपकी हाइट कम है तो कुछ और भी जुगाड़ है जिनकी बदौलत आप थोड़ी हाइट तो पा ही लेंगे। आप मोटी सोल वाले स्पोर्ट्स शू पहन सकते हैं या फिर भी शू इंसर्ट खरीद सकते हैं। ये जूते में फिट हो जाने वाला एक तरह का पतावा होता है जिसमें एंकल होता है। ये 1 इंच से 3 इंच तक का होता है। आप इसे जूते में डालकर बिना किसी को बताए अपनी हाइट इंस्टेंट बढ़ा सकते हैं। तो दोस्तों, इन टिप्स को आजमा कर आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारे सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।